माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं डोजकॉइन से रिलेटेड कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, बट उससे पहले डैम श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जो भी वीडियो मैं चढ़ाऊं आपके पास सबसे पहले आ जाए। देखो कुछ लोग डेली वीडियो देखते हैं, डेली वीडियो देखते हैं फिर भी यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपका क्या जाएगा, आपके पास वीडियो सबसे आपके पास चल के आएगी, तो क्या जा रहा है दबा दीजिए। यहाँ पर रैंक दे सकते हैं, जैसे सुबह मैंने कहा था कि एक अच्छी बात है, स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र लग गई है और 6 नंबर से सीधा हमारे सामने 8 नंबर रैंक आ गई है। कॉइन मार्केट कैप पर 2 नंबर रैंक टूट चुकी है, 13.81 पैसा यहाँ पर चल रहा है और 12.5 तक यहाँ पर नीचे गया है, 13% हमें लॉस देखने को मिल रहा है। नीचे अगर ग्राफ पर दिखाऊं तो आपको बीच में से खाली एक हमें पंप देखने को मिल रहा है, उसके बाद लगातार डंप ही डंप देखने को मिल रहा है। लास्ट में अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी एक बड़ा पंप है, उसके बाद में वापस हल्का सा डंप वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर ऑल द टाइम हाई चला गया था तो हमें 100 रुपये में 2 कॉइन्स भी पूरे नहीं मिल रहे थे, जहाँ पर अब 100 रुपये में 7.08 कॉइन मिल रहे हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं लगभग 180.99%, मतलब 181% इसमें परसेंटेज बाइंग ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप भीड़ चाल में भी चलोगे, लोगों के कहा सुनने में आओगे, तो भी यहाँ पर आप बाइंग का उद्देश्य वगैरह बना सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर बायर वगैरह बढ़ गए हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, मार्केट कैप 20% टूट चुकी है, येस्टरडे का चेंज मतलब कल 36% लॉस में गया था, आज भी 40% लॉस है, मतलब 2 दिन में ही अब 50% लॉस में चला गया है। ऑल द टाइम हाई से लगभग 74.22% नीचे चला गया, मतलब अगर आप अभी इस पर इन्वेस्ट करोगे और अगर यह वापस अपने ऑल द टाइम हाई को टच करता है तो आपको पर क्वांटिटी 74.22% का फायदा होगा। यहाँ पर ऑल द टाइम लॉस है, यहाँ पर 2,22,384% ऊपर गया है और डोजकॉइन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 33,917%। यहाँ पर लिखा गया है, बिटकॉइन एंड डोजकॉइन एटीएम्स कमिंग टू टेक्सास ग्रोसरी जायंट हब, जो टेक्सास नाम की जगह है जहाँ पर मेरे हिसाब से यूएसए में स्थित होनी चाहिए, जहाँ पर यह है लिखा गया है कि बिटकॉइन और डोजकॉइन का खुद का एटीएम आ रहा है, जहाँ पर आप बिटकॉइन में ट्रेड वगैरह ले सकते हैं, विड्रॉल मेंट कर सकते हैं और डिपॉजिट मेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी ही आने वाला है टेक्सास में। तो आप एक बार चीज़ सोच के देखिए, क्या कभी आपने 2021 से पहले कभी भी ऐसा कोई बैंक देखा जहाँ पर आपने क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेड वगैरह किए हो मात्र एक कार्ड को यूज़ करते हुए, या फिर कभी स्कैनर यूज करके आपने किसी भी गोलगप्पे वाले को यहाँ पर दिया है कभी डोजकॉइन या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी में? तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी हमारे सामने क्रांति देखने को मिल रही है। तो केवल यह मत सोचिए कि डोजकॉइन केवल डूबता ही जा रहा है, यह सोच के हमेशा चलिए कि हमें बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट रखनी है, बहुत लंबी होल्डिंग रखनी है, तभी आप कमा पाओगे। केवल स्कैल्पिंग या इंट्राडे करोगे तो कई बार आपको लॉस झेलना पड़ेगा, और स्कैल्पिंग और इंट्राडे उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने थोड़ी सी महारत हासिल करके रखी हो, क्योंकि इन्हें पता है स्टोकेस्टिक आरएसआई वगैरह हो गए या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गए 5, 10, 21 के, तो उस प्रकार के यूज करते हुए अपने ग्रोथ को स्टेबल करते हैं। और जो है केवल नए बंदे आ जाते हैं वो केवल यह देख लेते हैं प्लस में जा रहा है तो वहां पर उसको बाय कर लेते हैं, हमेशा सबसे बड़ी गलती यही होती है। जैसे ही मार्केट प्लस में जाता है तो वे उसे बाय करते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता कि अब मार्केट नीचे आएगा, वो केवल यही सोचते हैं कि मार्केट तो भाई ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। नहीं, कभी भी नहीं है। इस महीने तो मार्केट इतना टूटा है कि जो लोग नए आए हैं उन्हें भी पता चल गया है कि मार्केट किस कदर टूटता है। स्टॉक मार्केट में 3% टूटता है तो यहाँ पर लगभग 50% का हमें लॉस एक दिन में ही झेलने को मिल जाता है। तो यह है क्रिप्टो मार्केट की पावर। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। सोशल एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि डोजकॉइन सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है और सोशल डोमिनेंस हो गया इसका बढ़कर 6.55%, मीडियम है 5, रेडिट पर 34.5 हज़ार है और ट्विटर पर है इसके 4,19,000। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी ज़्यादा यहाँ पर सोशल एक्टिविटी हुई है डोजकॉइन में। उसके बाद में है पेनकेक स्वाप, उसके बाद में है हमारे सामने सेफ मून, उसके बाद में है इथेरियम और सबसे पहले है बिटकॉइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं डोजकॉइन सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है। यहाँ पर टेवी लासन ने लिखा है, डोज न्यूज़ विद द अपडेट, डोजकॉइन ट्रांसलेशंस ट्रांजेक्शंस शुड गेट लेस एक्सपेंसिव इन नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर। तो यहाँ पर एलोन मस्क ने कहा है, नीचे आपको ट्वीट बता देता हूँ, रीट्वीट लिखा है इन्होंने, दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंप्रूवमेंट। इन्होंने डोजकॉइन टेस्टनेट पर कुछ कहा है, वो भी वेडनेसडे इवनिंग 7 PM UK पर। तो यहाँ पर ये कुछ बोलने वाले थे और यहाँ पर इन्होंने एलोन मस्क ने कहा है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंप्रूवमेंट। इसका जो भी मतलब है, इसका मतलब है कि डोजकॉइन में जो भी कमियाँ हैं, ट्रांजेक्शन फीसेज वगैरह है या जो भी चीजें हमारे सामने फीस वगैरह लग रही है उनको कम करने की बात की जा रही है। और यहां पर एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि यह काफी ज्यादा जरूरी इंप्रूवमेंट है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा मोस्ट होने वाला। तो हो सकता है इसके बाद में डोजकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी यहाँ पर आशा नहीं जग रही कि डोजकॉइन का प्राइस अभी बढ़ेगा। हो सकता है उसके बाद में जो मिशन 1 हमारे सामने लॉन्च किया गया था डोजकॉइन सैटेलाइट का, तो उसके बाद में हो सकता है बढ़ सकता है, लेकिन अभी इस महीने मेरे हिसाब से बढ़ना मुमकिन के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा ही प्राइस पंप होने लगता है उसी प्रकार बिटकॉइन की या फिर कोई भी बड़ी न्यूज़ आ जाती है और मार्केट को वापस क्रैश कर देती है।
डेविड गोकस्टेन पैक कॉइन के सीईओ जो डोज कॉइन को काफी टाइम से प्रमोट कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि डोज ऑन ए सीरियस डिस्काउंट। डोज कॉइन अभी काफी बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो अगर आपको इसको लेना है तो ले सकते हैं। नीचे लोग देख सकते हैं, लोगों ने कई लोगों पर इन्होंने बाय वगैरह भी किए हैं कि डोज कॉइन काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम अभी कर सकते हैं जिन लोगों ने डिप वगैरह बाय नहीं की थी। 181% ट्रेडिंग वॉल्यूम प्लस में चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अगर आप बाय कर रहे हैं डिप तो व्हाट आर यू बाइंग, तो आप क्या खरीद रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर द डोज टू डिप ए डिप एट ए बिट मोर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जैसे डोज को नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर उसको और खरीद लूंगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार ये प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं। तो ये थी हमारी डोज कॉइन से रिलेटेड सभी खबरें। और अभी वापस चाइना की तरफ से मैं सोचता हूँ कॉस न्यूज़ नहीं आए, और अगर न्यूज़ आ जाती है तो हमें और बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। डोज कॉइन 10 रुपये के जगह 6 रुपये भी हो सकता है और भी नीचे जा सकता है। तो ये थी हमारी अभी डोज कॉइन की सभी खबरें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कॉन्टेंट अगर अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम भी यहाँ पर खुश हो सकें। थोड़ा सा खुशी हमें भी दीजिए, पूरे दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप एक वीडियो को लाइक कीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।